हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग्स। और मैं हूँ रिचा। मैं आई हुई हूँ आज अपनी मम्मी के घर, और आज है हमारा कमच्छड़ का फास्ट। और ये रही मेरी मम्मी। मम्मी क्या कर रही? मैं भाजी धो रही हूँ। तो गाइस, कमच्छड़ में हम लोग खाते हैं 6 प्रकार की भाजी, पसेर चावल जो कि रेड कलर का होता है, उसके साथ दूध दही घी जो कि भैंस का होता है, तो हम वही यूज करते हैं। बन रहा है चावल पसेर वाला। यहाँ पे भाजी को तड़का लगाने वाली है मम्मी। आप लोगों को बता देती हूँ, घर आपको थोड़ा थोड़ा फैला लग रहा होगा, बट मिडिल क्लास फैमिली में घर ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत तो फैला हुआ होता ही है। को पूजा का सामान भी दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज की पूजा होती है। ये अभी पूरा सामान नहीं है, ये आधा सामान है, बट ये होता है दोना, इसमें डालते हैं हम लाई। और ये क्या है मम्मी, इसको क्या बोलते हैं? फुलेरा। फुलेरा, ये वहाँ पे जो फुलेरा बना हुआ रहता है उसमें ही लगाते हैं। और ये है पसेर चावल जो मैं रेड वाला बोल रही थी, ये टीका है। और बाकी सब तो पूजा का ही सामान है। यहाँ पे रखा हुआ है लाई, और ये भी डालते हैं हम, इसे महुआ बोलते हैं। यहाँ पे फल रखे हुए हैं जो कि हम भगवान जी को चढ़ाएंगे। और हम खाना भी दोना और पत्तल में खाते हैं, जो कि आप लोगों को मैं खाना खाते समय दिखाऊंगी। ये है मेरी चाय भैंस के दूध की, जो कि मेरी मम्मी ने मुझे बना के दी है, जो कि बहुत टेस्टी है। यहाँ पर मेरी मम्मी ने बनाया हुआ है बाटी, ये भौरा, और ये है शिव जी, जो कि पता नहीं आपको ऐसे शेप लग रहे होंगे कि नहीं, बट ये नाव है। और वो जो दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं फुलेरा। फुलेरा में करने वाले हैं हम लोग पूजा। हमारे घर के सामने ही बनता है फुलेरा, और वहीं पे जाके हम नीचे पूजा कर लेते हैं। मम्मा, हाँ। तो जिनको नहीं पता कि कमच्छड़ का उपास क्यों रखते हैं, तो मैं आज आप लोगों को अपनी मम्मी से, मतलब मम्मी को बोलती हूँ बताने को कि कमच्छड़ का उपास क्यों रखते हैं। तो मम्मा, कमच्छड़ का उपास क्यों रखते हैं? बच्चे लोगों का दीर्घायु, मतलब उम्र अच्छा, मतलब बढ़े और अच्छा रहे। तो हमारी भाजी भी बन रही है, और भाजी ना ये लकड़ी जो बोलते, क्या बोलते मम्मी, लकड़ी देखो यहाँ पर बन रही है भाजी, और भाजी को ये लकड़ी से ही चम्मच चलाते हैं, मतलब चम्मच का यूज नहीं करते। कौआ का रहता है लकड़ी, डंडी, कौआ का डंडी, इससे भाजी बनाया जाता है ना। और अच्छा गाइस, आज मैं मम्मी से बात करते हुए व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि हमेशा जो व्लॉग होता है मेरा, वो मैं खुद ही बोलते जाती हूँ और खुद ही आप लोगों को बताते जाती हूँ, बट इस बार मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और हो सके तो जो भी मेरा व्लॉग आएगा, जो भी मैं आगे का बनाऊंगी, तो वो मैं बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोगों को सिर्फ मेरी ही बात ना सुननी। और ये है मेरे प्यारे से पापा, काश मैं आप लोगों को इनसे भी मिलवा पाती। यहाँ पे भाजी भी हो चुकी थी रेडी, और अब सारा पूजा का सामान हमने एक साथ रख लिया है। नीचे भी सारी लेडीज से पूजा के लिए इकट्ठा हो रही है, और पंडित जी भी आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर की पूजा पंडित जी ही करवाते हैं। कमच्छड़ का जो फास्ट होता है, वो माताएं अपने बच्चों के लिए रखती है, उनके दीर्घायु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए रखती है। तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि जब बच्चे हो जाते हैं तब कमच्छड़ का फास्ट रखा जाता है बच्चों के लिए, पर मुझे बाद में पता चला कि जिनको बच्चे नहीं हैं वो भी ये फास्ट रखते हैं। तो मैंने भी कुछ टाइम पहले से ही कमच्छड़ का फास्ट रखना स्टार्ट किया है, इसलिए मुझे पूजा की सामग्री के बारे में और जो फास्ट में खाना बनाते हैं, पसेर चावल और भाजी, वो भी बनाना मुझे अच्छे से आता नहीं है, क्योंकि मैंने मम्मी को देखकर ही फास्ट रखना स्टार्ट किया है। तो आपने व्लॉग में भी देखा होगा कि मेरी मम्मी ही सारी तैयारियां कर रही थी, ताकि मुझसे कोई भी गलती ना हो जाए। तो इस तरीके से हमने किया कमच्छड़ में छठ मैया जी की पूजा, और अब बारी है खाना खाने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्तल हमने लगा दिए हैं, हम पत्तल पे ही खाना खाते हैं। और ये जो दोना है ना, आपको जो पत्ते दिख रहे होंगे वो 6 पत्ते हैं। तो खाना खाने से पहले हमें कुत्ता, बिल्ली और गाय, इन सारे लोगों के लिए खाना निकालना पड़ता है।
मीन्स भोग निकालना पड़ता है और उसके बाद ही हम खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं अपने पत्तल में से खाने में से पहले भोग निकाल रही हूँ। पहले यहाँ पर मैं चावल का भोग लगा रही हूँ, फिर मैं भाजी का लगाऊंगी, फिर दही दूध घी। तो इस तरीके से हम सारे चीज़ों का भोग लगाने के बाद हम खाएंगे खाना। और दिन में एक बार ही हम खाना खाते हैं पूजा करने के बाद, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है लगभग 3:30 या 4 बज गए हैं। तो इसीलिए हम एक बार बहुत अच्छे से खाना खा लेंगे ताकि हमें भूख ना लगे। आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय गाइस।